हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। मूड नहीं होता है जब भी खाना बनाने का, तो 20 मिनट के अंदर खाना बना लीजिए। दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी, आलू की सूखी सब्जी जो मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती थी है और लगती थी जब मम्मी बनाया करती थी। तो वही सब्जी मैं बनाती हूँ दाल चावल के साथ और मेरे बच्चों को पसंद है। तो फिर हमें क्या करना है कि जब दाल चावल के साथ सूखी सब्जी खाएंगे, एक दो रोटी खाते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल भी दाल चावल के साथ रोटी नहीं खाते हैं बच्चे, और मुझे भी पसंद नहीं है दाल चावल के साथ रोटी। लेकिन फिर भी मैंने आटा लगा रखा है, चार रोटियाँ। ऐसे कि दाल चावल को आप हाथ से खाइए मिलाकर, सबसे बढ़िया स्वाद आता है। दाल चावल में सूखे आलू की सब्जी मिला के यदि खाएंगे तो इतना बढ़िया स्वाद आएगा, जो स्वाद हाथ से खाने में है वो स्वाद चम्मच में नहीं है। तो चम्मच से ना खाकर दाल चावल को हाथों से खाना चाहिए। तो बनाते हैं दाल चावल। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, क्योंकि मिक्स दाल खा खा के सब परेशान हो गए हैं। तो अरहर की दाल बना रही हूँ, बहुत हल्की रहती है खाने में और शाम के वक्त तो बिल्कुल हल्की रहती है। कई लोग नहीं खाते हैं दाल चावल शाम के वक्त, लेकिन हम लोग तो शाम के वक्त ही खाते हैं क्योंकि सुबह सब काम में जाते हैं। तो मैं तो शाम को ही दाल चावल बनाती हूँ। तो मेजरमेंट के लिए मैंने ये बाउल छोटी छोटी बना रखी है, इसी से मैं पूरा खाना बिल्कुल परफेक्ट बना लेती हूँ, ना ज्यादा ना कम। दो बच्चे और तीन बड़े तो हम पांच के लिए खाना बन रहा है। दाल मतलब एमी नहीं खाती है, चावल एमी के लिए भी बनेंगे। एमी हमारे साथ बढ़िया वाले चावल खाती है, खिचड़ी वाले चावल नहीं खाती है। एक बार उसको बढ़िया वाले चावल दे दी तो अब वो बढ़िया वाले ही चावल खाती है, खिचड़ी वाले चावल नहीं खाती है। तो तीन छोटी बाउल मैंने दाल ले ली है, हम इसको धो लेते हैं और जो इसका पानी है उसे फेंके नहीं। इसके पानी को आप टेरिस गार्डन में डाल दीजिए पौधों में। मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ इस पानी को, और चावल के मांड को भी नहीं फेंकती हूँ, मैं अपने पौधों में डालती हूँ। तीन चार बार धो लेंगे हम दाल को, अच्छे पानी से धोती हूँ मैं, आरओ के पानी से ही धोती हूँ। और इसी पानी को मैं रख के और फिर टेरिस गार्डन में डाल देती हूँ। तो इसमें मिट्टी बहुत होती है दाल भी चावल भी में, तो इनको तीन चार पानी से धोना चाहिए। पानी पहले से ही मैंने कुकर में डाल रखा है और चावल के टोपे में भी पानी डाल रखा है, पहले से तैयारी कर ली थी। तो बस अब मुझे डालना है धोकर। तो जो भी छोटे छोटे काम हैं उनको पहले कर लें, तो जिससे आपका खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आप और भी जैसे कोई भी आपको तैयारी करनी है तो आप जब बैठे हों, खाली बैठे हों, तब जैसे सब्जी काट लें या और कोई काम कर लें। ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो पालक वगैरह होते हैं, ऐसी हरी सब्जियां होती हैं, इनको कट कर लें, मतलब अपने जब खाली समय में कट कर लें तो आपको खाना बनाने में बहुत सरलता रहती है। तो मैंने इसमें हल्दी नमक और तेल डाल दिया जिससे दाल बाहर नहीं आएगी, और चावल का पानी भी चढ़ा दिया है। अब चावल धो के मैं डाल दूँगी, और मतलब हमारी मम्मी वगैरह पहले ही पानी को चढ़ा दिया करती थी दाल चावल के पानी को, फटाफट बन जाया करते थे और दूसरा काम इतनी देर में कर लेती थी और पानी चढ़ा दिया करती थी, तो वो आदत मेरी है। तो चावल मैं ले रही हूँ छः छोटे बाउल, क्योंकि हम एमी को मिलाकर छः जने हो जाते हैं, तो एक एक छोटा बाउल हमारे सबके पूरा हो जाता है चावल का। और अगर रोटी लेना चाहते हैं तो रोटी ले लेते हैं, और बिना रोटी भी इतने चावल हमारे पूरे हो जाते हैं पांच छह जनों में। तो बस चावल का पानी भी मैं रख लूँगी तीन चार बार इसको धो के, और इस पानी को भी मैं रख के, और फिर ऊपर जब जाऊँगी सुबह सुबह मैं 5 बजे जाती हूँ छत पर, तो जो भी मुझे मतलब सब्जी के छिलके हैं दाल का चावल का पानी वो ले जाना होता है, वो मैं सुबह ले जाती हूँ, सारा पानी वगैरह
ऊपर यूज कर लेती हूँ अपने टेरिस गार्डन में। तो चावल को मैंने डाल दिया है, चावल दाल एक साथ बन जाएंगे, इतने में मैं अपनी सब्जी कट कर लूँगी। तो आलू को कट करूँगी मैं, और अभी मैंने ये चढ़ा दिए। बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी चावल को, दाल तो कुकर में हो जाएगी लेकिन चावल को बीच बीच में चलाना पड़ता है जिससे कि वो चिपके नहीं और खिले खिले बने। किचन को मैं साथ के साथ सेट कर देती हूँ जिससे मेरी किचन बिखरती नहीं है, और जब भी वीडियो हमें बनानी होती है तो हमें साथ के साथ किचन को भी साफ करना पड़ता है। सब लोग सोचते हैं कि हम आराम से वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो आराम से नहीं बनती है, बहुत सी चीज़ें इधर से उधर हटानी पड़ती हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर गैस गंदा हो जाता है चूल्हा तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है साथ का साथ, इधर उधर कोई चीज़ रखी हुई होती है उनको भी रखनी पड़ती हैं जिससे हमारी वीडियो में हमारी जो वीडियो है वो गंदी ना आए, कोई भी चीज़ गंदी ना आए। तो साथ के साथ हमें उन सब चीज़ों को रखना भी पड़ता है, एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं अब आलू कट कर लूँगी, और आलू तीन चार आलू की ही सब्जी बना रही हूँ, सूखी सब्जी बना रही हूँ, और आलू के जो छिलके हैं वो उतार के और उसके बाद मैं इनको पानी में काट लूँगी क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं। तो इनको हमें बराबर काटना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हम उल्टे सीधे काट लेते हैं तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि बिल्कुल बराबर कट करो इनको, जो इनके पीस होते हैं आलू के या किसी भी सब्जी के पीस होते हैं उनको बराबर कट करने चाहिए, नहीं तो गलने में बड़ी परेशानी आती है, कोई आलू गल जाता है, कोई मतलब गलता नहीं है, कच्चा रह जाता है। तो सारे ही पीस हैं उनको मैं बराबर कट कर लूँगी। वैसे तो कोई आलू बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो एकदम उसके बिल्कुल परफेक्ट पीस नहीं होते, फिर भी हमें पूरा ध्यान रख के इनके पीस हैं उनको परफेक्ट रखना है क्योंकि गले में बड़ी परेशानी होती है। तो आलू मैंने धो लिए हैं और चावल मेरे बन चुके हैं, और चावल मांड वाले हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है तो इनका मांड निकाल रही हूँ मैं, चावल का मांड भी मैं ऊपर टेरिस गार्डन में डाल देती हूँ। चावल मेरे बन चुके हैं खिले खिले बिल्कुल, और दाल में भी सीटी आ चुकी है। हमारे यहाँ मांडीले चावल कोई नहीं खाता है, दाल भी हमारी तैयार है, सीटी दो तीन आ चुकी हैं इसमें, और अब मैं इसमें छौंक लगा दूंगी जिसके लिए मैंने टमाटर कट करके रखे हैं और हरी मिर्ची कट करके रखी है, धनिया कट करके रखे हैं, हरे धनिया कट करके। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है तो उबलने के लिए रखी दाल, और नींबू को मैं नींबू के रस को डाल दूंगी उबलते में ही, तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसका, नींबू का रस डाल के और फिर मैं इसमें छौंक लगा दूंगी। तो पैन में घी डालकर मैं जीरा राई हींग डाल रही हूँ, और साथ में डाल दूंगी टमाटर हरी मिर्ची वगैरह डाल के उनको भून के, और फिर बस फटाफट ये छौंक लग जाएगा, दाल बहुत अच्छी लगेगी। ज़्यादा कुछ मैंने दाल में डाला नहीं है, और ये दाल लिखी हल्की हल्की रखी है मैंने, तो छौंक लगा दूंगी और उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए दाल में कितना अच्छा कलर आ चुका है, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें, छौंक में ही डाल दिए सारे मसाले, और इतना अच्छा कलर आ गया, दाल बहुत ही अच्छी बनी थी। ये देखिए दाल चावल बन चुके हैं, अब बस मुझे सब्जी बनानी है, और आलू की सूखी सब्जी दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हरे धनिए भी डाल दिए हैं मैंने, और इनका स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है दाल में। अब मैं बना रही हूँ सब्जी, तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने, और बस सब्जी बिल्कुल हल्की सी बनाऊंगी, हल्के से मसाले डालूंगी और बिल्कुल सूखी सब्जी बनेगी। तो जैसे मैं रोज़ सब्जी छौंकती हूँ जीरा राई हींग हल्दी वगैरह डाल के, वैसे ही बना रही हूँ बिल्कुल हल्के से मसाले डालकर, और इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है इस सब्जी में, बिल्कुल सूखी बनानी है, सूखे आलू बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, पहले इसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर इसमें मसाले डाल दूंगी। ऐसी सूखी सब्जी आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, कोरी भी बच्चे मतलब खा लेते हैं, किसी भी पूड़ी और सब्जी के साथ बच्चे ये वाली सब्जी ज़रूर खा लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो ज़रूर बना के देखिएगा ऐसी सब्जी। सब्जी हमारी हो रही है, चार या पाँच रोटी मुझे सेकनी है, वो सेक लूँगी, और खाना पूरा बन चुका है।
बिल्कुल हल्का सा खाना है और 20 मिनट के अंदर ये खाना बन गया, क्योंकि दाल चावल साथ में बन जाते हैं और उसी टाइम हम सब्जी भी कट कर लेते हैं, आटा भी गूंद लेते हैं, तो फिर बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मेरे पास ये 4 फ्लेम का गैस है, इसमें बहुत जल्दी खाना बनता है, तो मुझे रोटी बनानी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। खाना 20 मिनट में बन गया, तो जब भी मूड नहीं हो खाना बनाने का, दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ी सी बना लें, चारों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।